यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वेदांता हॉस्पिटल अब मेडिट्रिना हार्ट सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में निशुल्क परामर्श कैंप का आयोजन। आजमगढ़ जिले के सटे मऊ जनपद के दोहरीघाट स्थित अपना बाजार कॉम्प्लेक्स में वेदांता हॉस्पिटल अब मेडिट्रिना हार्ट सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क परामर्श कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शकील अहमद, जनरल अब एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर पंकज कुमार व डॉक्टर विवेक सिंह ने शिविर में आए मरीजों का निशुल्क चेकअप कर कई तरह के जांच भी किया। इस दौरान मरीजों के उनके दिक्कतों से संबंधित दवाओं का वितरण भी निशुल्क किया गया। वेदांता हॉस्पिटल के निदेशक विशाल जायसवाल ने बताया कि यह कैंप लगातार जारी रहेगा। इसके पहले भी कई जगहों पर शिविर लगाकर हम गरीब व असहाय मरीजों की जाँच कर दवाओं का वितरण कर चुके हैं, जिससे लोगों को लाभ मिला। आगे भी यह क्रम वेदांता हॉस्पिटल की तरफ से जारी रहेगा। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। मैं विशाल जायसवाल, निदेशक वेदांता हॉस्पिटल। जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण से जो है बहुत ज़्यादा लोगों को जो है एक दैनिक जो है प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, इसके आह्वान में हम लोग जो है जगह जगह पे कैंप का आयोजन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ चकगुरिया में, निजामाबाद में, मेहनगर में, बढ़लगंज में, हमारा गृह जनपद पड़ता है दोहरीघाट मऊ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हम लोग लगातार दो बार से, दो संडे से कैंप कर रहे हैं। इस कैंप में हमारे जो है एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर विवेक सिंह बीएचयू एमडी जनरल मेडिसिन, डॉक्टर शकील अहमद खान डीएम कार्डियक एंड हमारे एमबीबीएस ईएमओ डॉक्टर सोनू सिंह, ये सभी लोग उस कैंप में, और जगह जगह पे हमारे डॉक्टर मनोज यादव जो कि पीडियाट्रिक सर्जन हैं बीएचयू, ये सारे लोग जो है एक साथ जुट के और उस तरीके के गरीब और असहाय लोगों की जो है कैंप में सहायता कर रहे हैं। इस कैंप में हम लोग पूरी तरीके से फ्री में ईसीजी, जो कि वही पॉसिबल है कि वहाँ पे हम मशीन ले जा पाएँ, और कुछ शुगर और कुछ पैथोलॉजिकल और भी जाँचें जो वहाँ पे पॉसिबल हो सकें, और उसके अलावा दवा वितरण में हमारी कोई भी दवा जो है ये नहीं कि हम लोग सैंपल और कहीं से कलेक्टिव, जो प्रॉपर आप किसी मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं वही आपकी जेन्युइन दवाएं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वितरण कर रहे हैं। ये कैंप का कोई एंड नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि नहीं ये कल वहाँ चलेगा परसों वहाँ चलेगा। अब इस कैंप के करने से लोगों की डिमांड आ रही है, जगह जगह पे प्रधान जी लोग और भी ग्राम सेवक लोग और भी जो जगह जगह के सेवक लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक दिन जरा हमारे यहाँ सहयोग कर दीजिए एक दिन जरा, तो इस तरीके से हम लोग को भी एक मनोबल मिल रहा है और ये चीज़ें मिल रही है, लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, कैंप को। वहाँ पर जो कैंप के लिए जो इनिशियल व्यवस्थाएँ होती हैं, एक रूम है, एक हॉल है, कुछ चेयर कुर्सी हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोग सहयोग कर रहे हैं, तो इससे हम लोगों का भी ये लग रहा है कि नहीं ठीक है, हम इसी बहाने एक सामाजिक सेवा में भी इसी तरीके से अपने आप को हमेशा, जैसा कि वेदांता ग्रुप हमेशा इस चीज़ों में अग्रणी रहा है, तो इस चीज़ को करने से हमें भी एक सुखद अनुभव हो रहा है। इसलिए इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये कल तक चलेगा या 10 दिन चलेगा, ये अनवरत चलता रहेगा, जैसा जैसा लोगों की डिमांड आती रहेगी हम ये करते रहेंगे, हमारे पास पूरी टीम और पूरी दवाएँ उपलब्ध हैं।